हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार मौर्य आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इन्फिनिक्स हॉट 40i में नोटिफिकेशन आइकन कैसे शो करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर देगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देगा ताकि आने वाली हर वीडियो को अपडेट मिले आपको सबसे पहले। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको सेटिंग में आना है। सो फ्रेंड्स, सेटिंग पर क्लिक करते हैं। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन सेंटर पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मोर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा नोटिफिकेशन आइकन ऑन स्टेटस बार का। सो फ्रेंड्स, ये हमारा नोटिफिकेशन आइकन शो सेटिंग। अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे और फ्रेंड्स आपके फ़ोन पे कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो फ्रेंड्स आपको उसका आइकन शो हो जाएगा अगर आप इस सेटिंग को इनेबल कर देंगे तो। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को इनेबल कर देता हूँ। इस सेटिंग को इनेबल करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, मैं सेटिंग को इनेबल कर देता हूँ। इसको इनेबल करने के बाद यहाँ पे आप ऊपर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं मेरे फोन का नोटिफिकेशन आइकन शो कर रहा है। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप नोटिफिकेशन आइकन को शो कर सकते हैं। मैंने आपको इसकी पूरी प्रॉपर सेटिंग बता दी और मैंने आपको सेटिंग को चेक करके और सेट करके भी दिखा दिया कि आप किस तरीके से नोटिफिकेशन आइकन को शो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी डन सेटिंग थी। इस वीडियो के लिए एक लाइक बनता है और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।